दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ये लोकसभा का चरण लगातार झटके देने वाला है। इस पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत पार्टी छोड़कर अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ पार्टी की सदस्यता पाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। सहरावत नई दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पिछले कुछ समय से वे आपके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चल रहे थे। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर उनका सम्मान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके बाद जो है, मैं भूमि अधिग्रहण पर किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उस मामले में काम कर रहा था। उस दौरान विजेंद्र गुप्ता जी से भी मेरी मुलाकात हुई और तब अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे से संपर्क किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मिलकर हम किसानों के लिए काम करते हैं। मैंने उनको मुनीरका इलाके में पहली सभा उनकी ग्रामीण क्षेत्र में स्वामी अग्निवेश जी के साथ करवाई थी और उनको दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में लेकर मैं आया था, उनको मिलवाया था दिल्ली की देहात से। और उसके बाद जाकर जो है उन्होंने जन लोकपाल जो है आंदोलन की शुरुआत करी थी। मैंने जो है आम आदमी पार्टी से तीनों चुनाव लड़े हैं। दक्षिणी दिल्ली से पिछला लोकसभा चुनाव भी मैं लड़ा था और 3,97,000 वोट मुझे पिछले चुनाव में मिली थी। मैं जितना भी मेरे को पार्टी ने दिया उसके लिए उससे कहीं अधिक मैंने सिपाही के रूप में इस पार्टी की सेवा करी। पाया कम और दिया अधिक। और जो है जब जब पुकार आई कि जो है गलत काम हो रहा है, जैसे शांति भूषण जी के साथ जो है अभद्र व्यवहार हो रहा था, तो उस सभा में मैंने खड़े होकर कहा कि ये गलत है। मैंने जो है जब जब जो है ऐसा कोई बात जिस सिद्धांत के लिए हम आम आदमी पार्टी में आए थे, जब उनको तार तार होते देखा तो ये जरूरत करी कि ये बताऊं कि ये गलत है, एक सुझाव दिया। लेकिन उसका जो है मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मैं काम करता था वो सब दरकिनार करके मुझे एक कोने में जो है रख दिया गया, पूरी तरह से प्रताड़ित किया। 3-4 विधायक लगाए मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ काम करने के लिए। मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार के जो भी फंक्शन होते थे मुझे उस किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता था। और दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद जी ने फंक्शन करे केंद्रीय मंत्री के तौर पर और उन्होंने मेरा नाम अखबार में दिया, पटल पर मेरा नाम लिखवाया, मुझे सम्मान दिया जो प्रोटोकॉल और गरिमा कहती है। और जो स्वराज की बात कर आए थे वहां पर इस तरह का बर्ताव मैंने झेला। लेकिन मैंने सब सहा कि जनता ने चुना है और जनता के प्रति जिम्मेवारी है, उसको करना है। अपने अहम के लिए नहीं राजनीति करने आए, जो है उसको सहन करता हूं। वो सब सहन करके मैंने एयरपोर्ट इलाके में योजना बनाई पहली नजर, द फर्स्ट लुक ऑफ इंडिया। उस योजना को मैं जो है दिल्ली सरकार में ले गया, इन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के पास बार बार गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं उपराज्यपाल के पास गया, मैं जो है हरदीप पुरी जी के पास गया, मैं सुषमा स्वराज जी के पास गया, मैं नितिन गडकरी जी के पास गया और 4 साल में लगभग 3,000 करोड़ का विकास काम एयरपोर्ट इलाके में कराया गया। केंद्र सरकार से एक एक पैसा, पूरे 3,000 करोड़ केंद्र सरकार से आए। और मेरे इलाके के लोग यहां बैठे हैं वो इस बात के गवाह हैं। यहां पर सब हैं, यहां पर जितने भी लोग हैं सब यहां पर गवाह हैं। तो मैंने जो है जब देखा एक पैसे का योगदान नहीं, काम करवाने में कोई मतलब नहीं, सिर्फ शोर मचाने में मतलब है, तो मैंने कहा जो है कि यहां से रास्ता वापस अपना अलग करना है। जनता से बात करी, विजय गोयल जी से फिर संपर्क किया, जो है विजेंद्र गुप्ता जी से कई बार सलाह ली और उन्होंने कहा कि कर्नल साहब, जो भारत के हर नागरिक को यह हक है कि वो अपनी बात कहे और अगर जो है उस अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है तो वैसी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैंने जो है अपने लोगों के
अपने इलाके के और अपने पूरे अनुभव को देखकर और जो देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की, जो विकास की और जो जो देश को नए भारत की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को सम्मान मिल रहा है, उन सबको देखकर मैंने ये फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ूं, इनके साथ काम करूं और जो भी मेरे में काबिलियत है, जो मेरे में टैलेंट है, वो उस जगह पर करूं जहां मुझे सम्मान मिले, मेरे लोगों को सम्मान मिले और जो है हम जिस इलाके में हैं उसका विकास हो सके। मेरे पर एक चीज नहीं चिपक सकती कि मैंने कभी जो है गर्दन को नहीं झुकाया, गर्दन को सीधी रखकर ये पैसे वैसे वाली जो बातें हैं मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा जो है मुश्किल रास्ते को चुना और सच्चाई की राह को चुना, कि उसमें बेशक कितनी तकलीफ मुझे ना उठानी पड़ी हो। और अब जब मैंने देखा कि जो ये असहनीय हो गया था, जब मैंने अपने बूथ पर लोगों को बैठाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कर्नल साहब छोड़िए, बूथ पर बैठने की बात तो छोड़िए, आप खुद भी छोड़िए और चलिए जो है दूसरी जगह पर, अपनी सगे जगह जाइए, सही जगह पर इस जगह को छोड़िए। तब जो है मैंने ये फैसला किया कि यहां से अब निकलने का समय आ गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव की हवा चल रही है वही सच है और बाकी जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो जो है ढकोसलेबाजी है और ड्रामेबाजी है, उससे दूर हटकर जमीनी स्तर पर एक ग्रामीण किसान की तरह मैं काम करूं। धन्यवाद। वहीं ये बात भी गौरतलब है कि ऐसा झटका आम आदमी पार्टी के लिए पहला नहीं है, क्योंकि सम्मान न मिलने के कारण इसी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी ऐसे ही दिल्ली में चुनाव से कुछ दिन पूर्व बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होंगे।